जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी से। आसिफ, क्या अपडेट मिल रही है और इस समय वहां की मौजूदा हालत क्या है? सोनल, देखिए, ये मुठभेड़ आज सुबह तड़के तकरीबन 3 बजे उस समय शुरू हुई जब रात के दौरान सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी, और इसके बाद कुलगाम के देवसर इलाके के चैन गांव में ये तलाशी अभियान चलाया गया था। सुरक्षा बलों का कहना था कि जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और 2 से 3 मिलिटेंट्स के इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ कॉर्डन लगाया गया था। तकरीबन 3 बजे रात को मिलिटेंट्स ने कॉर्डन तोड़ने के लिए फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। आखिरी समाचार मिलने तक यहां पे मुठभेड़ जारी है और दोनों ओर से रुक रुक के गोलीबारी हो रही है। हालांकि सुरक्षा बलों को पहले गांव के कुछ घरों को खाली कराना पड़ा, क्योंकि उसमें जो आम नागरिक थे वो फंसे हुए थे। इस समय भी दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। ABP News, आपको रखे आगे।